वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? रोजे कैसे जा रहे हैं? उम्मीद है सबका रमजान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज रमजान स्पेशल में हम सीखेंगे जबरदस्त किस्म की चाट बनाना। इस चाट में स्पेशल क्या है, डिफरेंट क्या है, ये देखने के लिए पूरी वीडियो देखिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल जाए। इस चाट में मिलाने के लिए हम बनाएंगे खास किस्म का मसाला, जिससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी, बिल्कुल किसी अच्छी शॉप की तरह जहाँ से चाट मिलती है, जहाँ आप शॉप से जाते हैं खाने के लिए, बिल्कुल वैसा इसका जायका आने वाला है। तो देखिए कैसे बनेगा। इसके लिए हमें तीन अज्जा चाहिए। तीनों अज्जा नोट कर लीजिए। साबुत लाल मिर्च, गोल लाल मिर्च जो होती है आपके घर पे नॉर्मल आप अगार लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो 10 से 15 अदद। साबुत धनिया और सफ़ेद जीरा आप ले लेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच। इन तीनों चीज़ों को आपने तवे के ऊपर गर्म करना है, ब्राउन करना है खुशबू आने तक। जब खुशबू आने लगे तो आपने फिर क्या करना है, इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को लेकर ग्राइंडर में जो ड्राई मिल्क आपके जूसर की मशीन के साथ होती है उसमें आपने इसको ग्राइंड कर लेना है, या फिर आप इसको कूट भी सकते हैं। तो ये कूट के आपने मसाला रख लेना है। ये तमाम अज्जा मैंने एक जगह अरेंज कर लिए हैं चाट के। तमाम चीज़ें नोट कर लीजिए। एक प्याज लिया है, इसे चॉप करके रखा है बारीक। एक आलू लेके मैंने पीसेस में कट किया है, जर्दा रंग के साथ बॉईल किया है और पानी निकाल के इसका रख लिया है। यहाँ पर चाट मसाला लिया है, नमक है, वो मसाला जो प्रिपेयर किया है वो है, दही है, आधी प्याली गाढ़ा इमली का रस है। दही में आप फेंट के थोड़ा सा पानी मिलाइए और नमक मिलाकर रख लीजिए। और ये देखिए दो प्याली हमारे पास तकरीबन है उबले हुए चने, पहले से उबाल के मैंने रखे हुए हैं। बहुत आसान है, बस तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक जगह इकट्ठी कर लीजिए, फटाफट बन जाएगी ये चाट। ये सारी चीज़ें आपने मिलानी है इसके अंदर। आपने अगर पहले से चने बॉईल करके रखे हैं तो ये डेली रूटीन में भी आप बना सकती हैं, या एक दिन छोड़ के एक दिन के चने जो हैं वो फिर पेट में गड़बड़ कर देते हैं। तो देखिए इस तरह मैंने सारे मिक्स कर लिए चीज़ों को, सबको आपने अच्छे से मिक्स करना है। चाट मसाला डाला है इसमें, मैं वो मसाला जो प्रिपेयर कर चुकी हूँ वो डाल रही हूँ। इसको डिश आउट कीजिए, और डालते वक्त जब आप इसको डिश आउट कर रहे हैं और सर्व करेंगे तो फिर आप एक्स्ट्रा दही साथ में रखिए, और चाहें तो इसमें हम कटा हुआ चॉप किया हुआ टमाटो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैं दही ऐड कर रही हूँ, दही आपकी अपनी चॉइस है, और भी डाल सकते हैं। चॉप किया हुआ टमाटो, अगर आपको टमाटर अच्छे लगते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अच्छे से आपने बस इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप इसको सर्विंग बोल में निकालिए और इफ्तार के वक्त इसको पेश कीजिए। यकीनन जो भी मसाला हमने इसमें डाला है उससे इसका एक डिफरेंट सा जबरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा, सब खाने वाले यकीनन लाइक करेंगे। आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे जरूर अपने व्यूज से आगाह कीजिएगा। इसमें पापड़ी देखिए मैंने वही रखी है जो घर पे बनाई थी, आप इसी तरह होममेड पापड़ी के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।